हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली 426 चैनल को। और आज के इस वीडियो में अयोध्या राम मंदिर के हाइलाइट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि जानना सब लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए दोस्तों जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि राम मंदिर की ओपनिंग के लिए या फिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख क्यों चुनी गई। क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म ऐसे दिन हुआ था जब अभिजीत मुहूर्त, मृगशिरा नक्षत्र, अमृत सिद्ध योग और सर्व सिद्ध योग बन रहे थे। ये सभी शुभ काल 22 जनवरी 2024 को भी एक साथ देखे गए। अभिजीत मुहूर्त हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार खास महत्वपूर्ण है। ये वही मुहूर्त है जब भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। इस प्रकार यह मुहूर्त किसी के जीवन से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने से जुड़ा है, और इसीलिए ये सारे मुहूर्त अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक आदर्श तिथि बनाते हैं। हमारे भगवान रामलला को अब तक क्या क्या उपहार मिल चुके हैं? तो पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट ने भगवान रामलला को सोने का धनुष और बाढ़ उपहार में दिए हैं। माता जानकी के घर नेपाल से लगभग 3000 उपहार अयोध्या राम मंदिर के लिए आए हैं। गुजरात के बड़ोदरा निवासी अरविंद भाई पटेल ने अयोध्या राम मंदिर के लिए 1100 किलो 9.15 फीट ऊंचा एक दीपक बनाया, जिसमें एक बार में 501 किलो घी आ सकता है और 15 किलो रुई की एक बार में बत्ती बन सकती है। इस सुंदर दीपक को 5 धातु सोना, चांदी, तांबा, लोहा और जस्ता यानी कि जिंक, इन सारे मेटल्स से मिलाकर बनाया गया है। श्री राम मंदिर में दुनिया की सबसे लंबी अगरबत्ती को जलाया जाएगा, जिसकी लंबाई 108 फीट, वजन 3500 किलोग्राम, गोलाई 3.5 फीट और इस अगरबत्ती को बनाने में करीबन 5.5 लाख रुपए की लागत आई है। और इसको बनाया गुजरात के बड़ोदरा के रहने वाले एक गौपालक विहा भाई बरबाल ने। और इस अगरबत्ती की खासियत यह है कि इसको एक बार जलाने पर पूरी अयोध्या 1.5 महीने तक महकती रहेगी। दोस्तों और तो और श्री राम मंदिर में 2100 किलोग्राम का एक घंटा लग रहा है, जो कि मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देगा। इसे बनाने में करीबन 2 साल का वक्त लगा है और इसे बनाने में अष्ट धातु यानी कि 8 मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, आयरन और मरकरी का प्रयोग किया गया है। इस घंटे की ऊंचाई 6 फीट है और चौड़ाई 5 फीट है। इस घंटे को लगवा रही है एक बनारस की फर्म और दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घंटा है। अयोध्या भगवान राम मंदिर की सुरक्षा के लिए अलीगढ़, जो कि ताला बनाने के लिए फेमस है, उसी अलीगढ़ से एक उद्योगपति सत्य प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा ने एक अनोखा ताला राम मंदिर के लिए अपने हाथों से तैयार किया है। इस ताले का वजन 400 किलोग्राम, ऊंचाई 10 फीट और चाबी का वजन 35 किलोग्राम बताया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला और चाबी है और इसे राम मंदिर ट्रस्ट को उन्होंने उपहार में दिया है। लखनऊ स्थित एक सब्जी विक्रेता जिनका नाम अनिल कुमार शाहू है, विशेष रूप से उन्होंने राम मंदिर के लिए एक ऐसी स्पेशल घड़ी डिजाइन की है जो कि एक ही समय में 8 देशों का समय बताती है। अनिल कुमार शाहू ने इस घड़ी को अयोध्या राम मंदिर के लिए उपहार में भेजा है। सूरत के एक हीरा व्यापारी ने 5000 अमेरिकी हीरो और 2 किलो चांदी का उपयोग करके राम मंदिर की थीम पर एक हार बनाया है। 40 कारीगरों ने 35 दिनों में डिजाइन पूरा किया। इस हार को राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार में दिया गया है। भगवान श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा और अपने कार सेवक पिता के सपने को पूरा करने की इच्छा के साथ हैदराबाद के 64 वर्षीय चल्ला श्रीनिवास शास्त्री सोने की परत चढ़े खड़ाऊ भेंट करने के लिए लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल ही अयोध्या राम मंदिर पहुंचे। श्रीलंका से एक ग्रुप भी अशोक वाटिका से एक विशेष उपहार के साथ अयोध्या आया। इस ग्रुप ने महाकाव्य रामायण में वर्णित अशोक वाटिका की एक चट्टान भेंट की अयोध्या राम मंदिर को। दोस्तों गुजरात से दरियापुर में अखिल भारतीय दबगर समाज द्वारा तैयार किया गया एक नगारू ढोल यानी कि मंदिर का ढोल भी अयोध्या भेजा गया है। मंदिर के प्रांगण में सोने की पन्नी से बना 56 इंच का नगारू ढोल स्थापित किया जाएगा अयोध्या राम मंदिर में। गुजरात स्टेट का सूरत, जो कि साड़ी बनाने के लिए फेमस है, सूरत के एक व्यापारी ने माता सीता के लिए एक खास साड़ी बनाई है। इस साड़ी की खास बात यह है कि इस साड़ी में अयोध्या के मंदिरों की तस्वीरें और भगवान के जीवन का चित्रण किया गया है। व्यापारी ने इस साड़ी को अयोध्या राम मंदिर के लिए उपहार में भेजा है। दोस्तों पूरे वर्ल्ड से लोग अपने श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ उपहार अयोध्या राम मंदिर भेज रहे हैं। ऐसे में बांसुरी नगरी पीलीभीत कैसे पीछे छूट सकता था, जो कि बांसुरी के प्रोडक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और यहां पर बांसुरी का कारोबार काफ़ी बड़े स्तर पर किया जाता है। उसी नाम को बरकरार रखने के लिए यहां से एक खूबसूरत सी बांसुरी बनाकर
उपहार में अयोध्या राम मंदिर के लिए भेजी गई है और इस बांसुरी को बनाया है हिना परवीन और उनके बेटे और उनके देवर ने सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन के अंदर। इस बांसुरी की लंबाई 21 फीट 6 इंच है और उन्होंने दावा किया है कि ये दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी है और अयोध्या राम मंदिर में सबसे लंबी और खूबसूरत बांसुरी का ये उपहार बांसुरी नगरी पीलीभीत शहर को हाईलाइटेड करेगा। भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति को किसने बनाया? भगवान श्री रामचंद्र जी की इस प्यारी प्रतिमा को बनाया है भारत के सबसे ज्यादा मांग वाले मूर्तिकार मिस्टर अरुण योगीराज ने। इन्होंने बहुत कम उम्र में मूर्ति कला की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। अरुण योगीराज मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकारों की 5 पीढ़ियों के परिवार से आते हैं। इन्होंने इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति के पीछे बनी सुभाष चंद्र बोस की 30 फुट की प्रतिमा को भी इन्हीं ने ही बनाया है। दोस्तों, भगवान श्री रामलला जी की जो मूर्ति बनी है वह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। मूर्ति की लंबाई 4.24 फीट, चौड़ाई 3 फीट, वजन 200 किलोग्राम। रामलला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर से हुआ है क्योंकि ये श्यामल पत्थर जो है वो बेहद खास है और इस पत्थर की जो आयु है वो कई हजार वर्ष है और इस पत्थर से बनी हुई जो मूर्तियाँ होती हैं उन पर दूध, पानी, रोली किसी का भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। और तो और, भगवान श्री रामलला जी की जो मूर्ति से अभिषेक किया हुआ प्रसाद है कोई भी ग्रहण करेगा तो इस पत्थर के कारण किसी के सेहत पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये श्यामल पत्थर बेहद खास है, इसलिए इस पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया है। रामलला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। दोस्तों, इतने दिन से सुन रहे हो आप लोग कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह राम मंदिर में होने वाला है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है और किसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा? तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है और इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। दोस्तों, आमतौर पर लोग हॉस्पिटल बनाने को लोग डेवलपमेंट समझते हैं जिससे कि पैसा आता है और मंदिर में की इंस्ट्रूमेंट बनाने में देश का पैसा खर्च होता है। ऐसे में भारत सरकार का अयोध्या राम मंदिर को बनाने में कितना रुपया खर्च हो गया और इसके बनने से कितने करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है? देखिए, राम जी का जो मंदिर बना है अयोध्या में उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और कई सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि राम मंदिर के बनने के बाद 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का बिजनेस जनरेट होने वाला है अयोध्या में। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया से लोग जम्मू में सिर्फ और सिर्फ माँ वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, वरना घूमने के लिए कश्मीर जो है वो जम्मू से खूबसूरत जगह है। ऐसे ही अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग फ्लैट्स लेंगे, ट्रेन्स लेंगे, बसेस बुक करेंगे और अगर यहाँ पर लोग स्टे करेंगे तो यहाँ की होटल इंडस्ट्री बूम करेगी, करोड़ों लोगों के आने से यहाँ पर फूड इंडस्ट्री डेवलप करेगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा अलग अलग तरीके से। और रही बात इस मंदिर को बनाने में खर्च की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने 1 रुपए का दान नहीं किया है। करोड़ों लोगों के योगदान से ये मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर अब तक ही 5000 करोड़ प्लस तक का चढ़ावा राम मंदिर में आ चुका है, चाहे वो लोअर क्लास वाला हो, मिडिल क्लास वाला हो, चाहे वो हाई क्लास वाला हो, जिससे जो बन चुका, जिसने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, उन्होंने किया राम मंदिर के लिए। और 2150 जो छोटे छोटे चढ़ावा था वो मिलाकर ही 10 करोड़ रुपए तक का चढ़ावा आ चुका है राम मंदिर में अब तक। और रही बात हॉस्पिटल्स की, अयोध्या में ऑलरेडी ही कई वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन चुके हैं, बस कोई गला फाड़कर बता नहीं रहा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कर दे इस वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अगर आप भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो जय श्री राम लिखिएगा और हमारी वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं वो भी लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा और हमसे और भी ज्यादा कनेक्ट होने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम अकाउंट @@kohli_bar426 पर। वहां पर इनबॉक्स में मैसेज करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं और हमारे चैनल पर बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज अवेलेबल है, उन्हें भी एक बार वॉच कीजिएगा। दोस्तों, बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।